नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जनता दल जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा आजकल पूरे बिहार के दौरे पर हैं और उनके बयान में उन्होंने कहा था कि जदयू को सबसे बड़ी पार्टी मैं बनाकर रहूंगा। उपेंद्र कुशवाहा आज बक्सर में हैं और बक्सर में जब उनको पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ओबीसी आरक्षण के ऊपर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक सबने जो है वो सरकार को हिदायत दी है कि इसे लागू करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इसे नहीं जनगणना में लागू कर रही है। लेकिन 1931 के बाद अभी तक जातीय जनगणना जो है वो नहीं हुई है और हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि इसे जातीय जनगणना को शामिल किया जाए। क्या कुछ पहले कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आपको सुनाते हैं। ये क्या है आपका स्टैंड? जातीय जनगणना के लिए कई न्यायालयों ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट सहित कई बार भारत सरकार से कहा, अलग अलग राज्य में हाई कोर्ट ने वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कहा, या पिछड़ों के लिए योजना बनाते हैं ओबीसी के लिए, लेकिन उनकी संख्या कितनी है बताइए ना, कोई जनगणना ही नहीं है उस तरह से, तो सरकार बता नहीं पाती है। बहुत आवश्यक है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके ना कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या है। योजना तो संख्या के आधार पर बनेगी ना, अभी पता ही नहीं। 1931 के बाद जनगणना जातीय हुई नहीं, तो हमारी पार्टी का पुराना है कि जातीय जनगणना निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार जो है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी अफसर है उनको बचाने में लगी हुई, इसको लेकर क्या केंद्र सरकार ये जातीय जनगणना में सहमत नहीं है, तो फिर आप क्या सहमत नहीं है? सुन लीजिए, सहमत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है, हम लोग अलायंस में है, कोई एक पार्टी नहीं है। अब उनकी राय अलग हो सकती है कई मामलों में, हमारी राय अलग हो सकती है, तो हमारी राय अलग है। बिहार में धर्म परिवर्तन तेजी से चल रहा है। धर्म परिवर्तन आज मेरी इच्छा हो जाए कि कल मैं इस्लाम धर्म को कबूल कर लूं तो कोई रोक देगा क्या? हिंदुस्तान का संविधान हमको परमिट करता है, मेरी इच्छा होगी तब। हाँ, कोई जबरदस्त ना करा, जबरदस्ती ना करा, किसी के लोभ लालच में हम ना करें, मेरी खुद की इच्छा होगी, हो सकता है, इस पर कहाँ रोक है, संविधान पर। बक्सर जिले की सबसे बड़ी समस्या मलई बरा योजना है, मुख्यमंत्री 2-3 विधानसभा में आकर के नवानगर से कब चुका और उसके बाद भी आज तक अधर में लटका हुआ है पूरे ब्रह्मपुर। राम बिहारी भाई का खास मुद्दा था, अब राम बिहारी भाई से बात कर लेंगे हम, क्या है मुद्दा? 1970 से अभी तक वो हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी हम लेंगे फिर बता पाएंगे। तो आपने सुना, सीधा कहा उन्होंने कि 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है, उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय सबने सरकार को कहा कि जातीय जनगणना को लागू किया जाए और हमारी पार्टी का स्टैंड भी बड़ा क्लियर है ताकि हमको समझ में आ सके कि कौन सी जातियां कितनी हैं इस 130 करोड़ की आबादी में, यानी कि अपना वोट बैंक साधने की कोशिश में हर पार्टियां जुटी हुई हैं, कास्टिज्म से यदि जनगणना की जाएगी तो। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया है। अब देखना है कि केंद्र सरकार पर कितना दबाव पड़ता है, क्या वो बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार है, एनडीए में जदयू है, क्या जदयू की बातों को केंद्र सरकार मानती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।